नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और इस समय मैं बात कर रही हूँ आपसे सूरत से। सूरत में जिस तरह से बहुत दिलचस्प मुकाबला हो गया है भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस जो लगातार सीन से गायब होती दिखाई दे रही है, आखिर उसकी रणनीति क्या है? उसे क्या सिर्फ इस बात पे भरोसा है कि अगर आम आदमी पार्टी काटेगी वोट भाजपा का अर्बन गुजरात से तो उसे फायदा होगा? यह सवाल इसलिए बहुत प्रमुख है क्योंकि इसी सूरत में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को, जो दावा किया आम आदमी पार्टी ने कि उस उम्मीदवार को किडनैप कर लिया गया, और इस सूरत से आम आदमी पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं है। हालांकि कांग्रेस का कहना इस मामले में कुछ अलग है। सवाल ये है कि कांग्रेस की रणनीति क्या है, इसे हम सीधे जानने की कोशिश करेंगे पवन खेड़ा जी से, जो प्रवक्ता हैं और जिनके कंधों पर गुजरात में कांग्रेस का भविष्य बड़े पैमाने पर टिका हुआ है। आइए चलते हैं, बात करते हैं और जानते हैं कि वे किस तरह से इस त्रिकोणीय मुकाबले को देख रहे हैं, और जो बदलाव की बात कांग्रेस कह रही है वह बदलाव क्या कांग्रेस के लिए है या सीन कुछ और है। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ क्लिक से बात करने के लिए पवन जी। सबसे पहले और सीधा सवाल, गुजरात में आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप लंबे समय से गुजरात में हैं, कांग्रेस की क्या संभावनाएं हैं और मुद्दे क्या हैं? गुजरात परिवर्तन के लिए आतुर दिख रहा है, और ये मैं सिर्फ किसी एक भाग की बात नहीं कर रहा गुजरात के, मैं कई जगह गया हूँ, कई ज़िलों में गया हूँ पिछले 6 महीनों में, और लगातार ये बात सुनाई देती है कि लोग महंगाई से परेशान हैं, लोग चाहते हैं कि 27 साल का जो एक कुशासन है, और 27 साल एक बहुत लंबा अंतराल होता है अगर इतना मौका दे दिया किसी को, तो अब उस सरकार या उस पार्टी के पास ना तो कोई बहाना बचता है, ना कोई वादा और बचता है, ना कोई जुमला बचता है। लोग तैयार हैं परिवर्तन के लिए, लेकिन अंततः लोग कहते हैं कि आएगा तो मोदी ही, और जितने ही लोग बात करते हैं उसमें ये रहता है कि भाई गुजरात का गौरव है, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, और दो दो बड़े कॉरपोरेट भी गुजरात से हैं। ये एक परसेप्शन बिल्डिंग इंडस्ट्री है, वो परसेप्शन बनाने का एक तरीका होता है। सब आएगा तो मोदी, ऐसे कैसे आएगा सब? लोग लाते हैं, लोग ही हटाते हैं। अब 70 साल में से 55-54 साल कांग्रेस सरकार में रही, लेकिन लोगों के वोट से रही, और लोगों के ही वोट से हम हारे, और लोगों के ही वोट से हम फिर जीतेंगे। तो ये कह देना कि साहब इनके अलावा कोई है ही नहीं, ना उनसे पहले कुछ था ना उनके बाद कुछ होगा, ऐसा नहीं होता लोकतंत्र में। उनसे पहले भी बहुत कुछ था, इनफैक्ट कहीं ज़्यादा कुछ था, और उनके बाद भी बहुत कुछ होगा और बेहतर होगा, ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। एक और बहुत सीधा सवाल, कांग्रेस इस बार बहुत अंडर प्ले कर रही है। लोगों का कहना है कि भाई कोई बड़ा नेता उस तरह से नहीं आया, राहुल जी भी खाली एक दिन आए। क्या ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है? क्या ये लगता है कि राहुल वर्सेस मोदी हो जाएगा तो मुश्किल होगी कांग्रेस के लिए? जो मैं आपको अभी मैंने एक फ्रेज़ यूज़ किया, परसेप्शन मशीनरी, ये उसी का हिस्सा है। राहुल गांधी ने जो काम अपने हाथ में लिया है, विचारधारा को नेतृत्व देने का, उसको पैनापन लाने का, वो भारत जोड़ो यात्रा के तहत बहुत बखूबी निभा रहे हैं। पार्टी में सबका अपना अपना एक भूमिका होती है, अपना योगदान होता है, अपनी जिम्मेदारी होती है। हम सबको एक जिम्मेदारी दी कि आप जाइए काम करिए, हम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से हमें बाहर कर दिया कि आप नहीं गुजरात में जाकर बैठिए। हमारे तमाम बड़े नेता आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो कई पूर्व मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, कई लोग घूम रहे हैं, अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। तो आप लोग अगर ये देख लें कि साहब भारत जोड़ो चल रहा है लेकिन गुजरात में राहुल जी नहीं आ रहे, राहुल जी सितंबर में आए, राहुल जी नवंबर में आए, और 8 वचन राहुल गांधी ने ही दिए यहाँ आकर, द्वारका डिक्लेरेशन राहुल गांधी ने ही दी यहाँ आकर, उसी को हम दोहरा रहे हैं, उसी पर हम अमल करने का वादा कर रहे हैं, यही हमारा प्रचार है। इन चुनाव में बहुत खास दिख रहा है कि अचानक ही 2002 में जो कत्लेआम हुआ था उसे एक मुद्दा बनाया गया। देश के गृह मंत्री पब्लिकली बोलते हैं कि वह एक प्राइड का मुद्दा है, क्या वजह लगती है? आप खुद समझ जाइए कि घबराहट क्या है। क्यों नहीं बोलते कि पिछले 5 साल में हमने ये काम किया, बताएं ना। चलिए 27 साल का नहीं बता पा रहे, हो सकता है याद नहीं होगा, या हो सकता है याद होगा कि कुछ नहीं किया। अब पिछले 5 साल में
आपको अपने ही मुख्यमंत्री बदलने पड़ जाएं, पूरा का पूरा कैबिनेट बदलना पड़ जाए, कोविड में जहां हम बैठे हैं इसी ज़िले में शमशान घाट की चिमनी पिघल जाए, तो जाहिर सी बात है कि वो चाहते हैं हम ये तमाम विफलताएं भूल जाएं, वो चाहते हैं कि समाज में सिर्फ और सिर्फ पोलराइज करके चुनाव जीता जाए। तो आपको उनकी नीयत सब स्पष्ट हो जानी चाहिए इस तरह की टिप्पणियों से। इससे क्या लगता है कि बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है? और अगर आपके हिसाब से बीजेपी के खिलाफ और आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, उसकी बड़ी वजह क्या है? देखिए, बीजेपी को फ़ायदा हो और गुजरात को नुकसान हो, यह बात तो न किसी गुजरात के व्यक्ति को स्वीकार्य होगी, न हमें और आपको स्वीकार्य होगी। ऐसा क्यों है कि जिस पार्टी की सरकार है लाभ उसको हो और हानि सारी की सारी वोटर को हो? तो इस बार और गुजरात के लोग नफ़ा नुकसान अच्छी तरह समझते हैं। मुझे लगता है हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर कोई समझ रखता है इस बात की तो वो गुजरात की जनता है। गुजरात के लोग इस झांसे में अब नहीं आने वाले कि आप बांट दो, नफरत पैदा कर दो, पुरानी बातें कुरेदो, जख्म को कुरेदो। आप मुझे, मैं स्पष्ट बात करना चाहता हूँ इसमें, जिसका बलात्कार हो उसका मजहब देखा जाए, जो बलात्कारी हो उसका धर्म देखा जाए और फिर न्याय दिया जाए। न्याय संगत राज्य है ये, गांधी यहीं से आए हैं, सरदार साहब यहीं से आए हैं। इस राज्य में इस तरह की भाषा, इस तरह की संस्कृति नहीं चल सकती। ये संस्कृति हमारी सनातन संस्कृति नहीं है, तो ऐसी सनातन संस्कृति में ये स्वीकार्य ही नहीं होगा जो ये भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको ठुकराया जाएगा। आपको क्या लगता है कि पिछली बार आपके पास तीन बड़े नेता भी थे, एक मूवमेंट था, और हम सूरत में बैठे हैं, सूरत ने एक बहुत बड़ा मूवमेंट पाटीदारों का देखा था उस समय। 77 सीट्स कांग्रेस के पास आई थी पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, उसमें से कई विधायक आपके चले गए भाजपा के पास, और आम आदमी पार्टी का जो पूरा प्रचार है वो कांग्रेस के खिलाफ ज़्यादा है, और वो लगातार यही बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि कांग्रेस को वोट देना मतलब आप बीजेपी को जिता रहे हैं। देखिए, उनके बारे में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि सबके सामने है कि वो उस खिलौने में चाबी कौन भरता है, ये सबको मालूम है। तो जितनी चाबी भरी कमलम ने उतना ही चलेगा ये खिलौना, तो उनकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि हमारे विधायक जो छोड़ गए, ये रास्ता आसान नहीं होता। अब सब तो केजरीवाल जी की तरह है नहीं कि जाके मोदी जी की गोदी में बैठ जाएं, वो हम लोग नहीं हैं, हमारी पार्टी में वो बात नहीं है। लेकिन हर पार्टी में ऐसे लोग होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, और ये परीक्षा की घड़ी होती है, कमज़ोर लोग अपने आप छंट जाते हैं, जो मजबूत हैं वो लड़ रहे हैं आपके सामने। आपने कहा पिछली बार तीन बड़े नेता थे, आज छः बड़े नेता हैं, आप तो तीन की बात कर रहे हैं। लेकिन जो परसेप्शन बिल्डिंग मशीनरी है वो जानबूझकर कांग्रेस को अंडर प्ले करती है, कोई बात नहीं, वो भी हमारे संघर्ष का हिस्सा है, हम उससे भी संघर्ष कर रहे हैं। अब अगर मीडिया में विज्ञापन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, शीला दीक्षित जी की सरकार थी दिल्ली में, 22 करोड़ रुपये सालाना बजट था प्रचार का, अरविंद केजरीवाल जी का सालाना बजट प्रचार का 550 करोड़ है। आप तुलना कर लीजिए कि जो सरकार, जो पार्टी सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों पर चलती हो, और ये मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा, जो उनके ऊपर बैठे हैं मोदी जी, उनके प्रचार की आप आंकड़े देख लीजिए, आप दंग रह जाएंगे, और ये तो सरकारी आंकड़े हैं। फिर कॉरपोरेट घराने जो खर्च करते हैं उन पर, तो इस तरह का जो लोकतंत्र को हाईजैक करने की प्रयास किया जाता है, वो संघर्ष हम लड़ रहे हैं कि उस हाईजैकिंग को कैसे रोका जाए। तो आसान संघर्ष नहीं है ये जी। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स इन गुजरात चुनाव में आपको क्या दिखाई देते हैं, कहां से ज़्यादा उम्मीद है आपको? इस बार उम्मीद सेंट्रल गुजरात से भी ज़्यादा है, ना केवल सौराष्ट्र और जहां हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ट्रेडिशनली माने जाते हैं, वो तो हैं ही और मजबूत हो ही रहे हैं, लेकिन जो शहर हैं, अब कल सूरत में मैंने रात को 2 जनसभाओं को संबोधित किया, जो रिस्पॉन्स था, ये तो शहर है और ये आप लोग कहते हैं कि गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन लोग त्रस्त हैं, लोग भूले नहीं हैं त्रासदी कोविड की, लोग नहीं भूले हैं महंगाई को क्योंकि वो तो रोज़ उनको परेशान करती है, लोग नहीं भूले हैं किस तरह का शिक्षा का मॉडल है यहाँ, और मोरबी तो अभी हाल ही में हुआ है, तो किस तरह की सरकार यहाँ है। कल जूनागढ़ में रात को
जहरीली शराब से मौतें हुई। अब ये बातें क्या लोग भूल जाएंगे? लोग तैयार हैं परिवर्तन के लिए। हमारे साथ जिन मुद्दों को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने उठाया, तकरीबन वही मुद्दे जमीन पर दिखाई दिए असलम साइकिल वाला के चुनावी प्रचार के दौरान। जब हम पहुंचे असलम साइकिल वाला से उनसे बात करने के लिए, जो पूर्वी सूरत से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से भाजपा सांप्रदायिक कार्ड खेलने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन वे लगातार जिस तरह से जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, इससे उन्हें भरोसा है कि वह सीट निकाल सकते हैं। यहाँ एक बात और बहुत खास ध्यान देने वाली है कि इस सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को या तो बैठा दिया गया या वह बैठ गए। वजह बहुत साफ थी कि अगर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मैदान में रहते, ऐसे में कांग्रेस को फायदा होने की पूरी संभावना थी। यानी कांग्रेस यह सीट ना निकाले, इसके लिए एक तरह से आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं कि असलम साइकिल वाला क्या मुद्दे उठा रहे हैं। असलम जी, क्या चल रहा है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इतना हंगामा क्यों? अब वो तो बीजेपी के लोग ही आपको बता सकेंगे कि उनको क्यों इतना डर है हमारा, क्यों इतना भय है। हम जमीन पे चलने वाले लोग हैं, रोड पे राजनीति करते हैं, और बीजेपी को कहीं ना कहीं भय होगा कि आम आदमी पार्टी का जो उम्मीदवार है कंचन भाई जरीवाला जी और अरविंद भाई राणा, वो एक ही कास्ट एक ही समूह से आते हैं, तो उनको ऐसा भय होगा कि कदाचित उनके समाज के वोट कटे, इसके लिए उनको हारना पड़े। तो वही वजह थी, और कोई वजह नहीं थी, जिन्होंने उनका फॉर्म मनी पावर मसल पावर गुंडागर्दी असामाजिकों का सहारा लेकर खिंचवाया। वो सब मीडिया, क्या आम आदमी पार्टी अब आपको सपोर्ट कर रही है? देखो, मैं जिस दिन इनका फॉर्म खींचे गया तब पूरी आम आदमी पार्टी ने ये कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी है, असामाजिक तत्वों का सहारा लेके इन्होंने काम किया। तब मैंने एक सोशल मीडिया के द्वारा अपील की थी कि अगर आपको सही मानों में भारतीय जनता पार्टी के गुंडा तत्वों को काबू में रखना है और ईंट का जवाब पत्थर से देना है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं ही उम्मीदवार हूँ कि जो उनके सामने लड़ रहा हूँ जी, तो आप चाहो तो मुझे समर्थन दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ये बताइए कि आप बहुत लंबे समय से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं और सूरत दरअसल भाजपा का गढ़ माना जाता है, ये एक अर्बन सीट है यानी शहरी सीट है, और शहरी सीट के बारे में भाजपा और माफ कीजिएगा यहाँ तक कि कांग्रेस मान के चलती है कि जो 45 शहरी सीटें हैं वे सारी की सारी भाजपा का मतलब लिखा हुआ है उन्हीं के पास जाएगी, उसमें फिर आपको क्या लगता है, संभावना कैसे लगती है, क्यों लोग आपको वोट करेंगे? देखो, मैं 11 तारीख को मेरे को टिकट मिला पार्टी का, जाहिरात हुई, तब से लेकर आज तक मैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमता हूँ। बाजू के कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या रहा मैं जानता नहीं हूँ, इसके लिए मैं आपको यहाँ का बता सकता हूँ। आप जो पूछेंगे वो बोलूँगा कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी 110% हारेगी, उसका हारना तय है, क्योंकि यहाँ लोगों ने नक्की किया, असलम साइकिल वाला नक्की नहीं किया है कि मुझे जीतना है, लोगों ने तय किया कि भाजपा को हराना है। 5 साल का जो शासन रहा, एक तो महंगाई, युवा बेरोजगारी, शिक्षण और हेल्थ के ऊपर जो इनको कामगिरी करना चाहिए बिल्कुल कर नहीं पाए, कोविड में भी इनकी कामगिरी बिल्कुल निष्फल रही। दूसरा, यहाँ का मेन लघु उद्योग जो है वो जरी उद्योग है, असल सुर्तियों का, वो जरी उद्योग जीएसटी के कारण बिल्कुल निपट गया है। आज इनके समाज के लोग जो जरी उद्योग के अंदर काम करते थे उनको मजबूरी से डायमंड के अंदर काम करने जाना पड़ रहा है। सेकंड एंड के यहाँ पे पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आसान धारा है। क्या है आसान धारा? नहीं, आसान धारा का मीनिंग है कि आपकी मिलकत सूरत में है, आपकी पूरी फैमिली, आपकी पूरी पेढ़ी ऐसा चाहे कि हम हमारी मिलकत बेच दें तो भी नहीं बेच सकते, सरकार की परमिशन लेना पड़ती है, और खास करके यहाँ के स्थानीय एमएलए या उनके जो भी अर्द गिर्द आदमी है जी, वो लोग बिल्कुल करप्शन करके उसके एनओसी लाते हैं, उसके लिए लोगों में बहुत असंतोष है। सेकंड एंड यहाँ पर जो सुविधा होना चाहिए, पूरा महानगर पालिका की एरिया है, और महानगर पालिका का कौन सा एरिया है जहाँ से सूरत का जन्म हुआ, पूरा सूरत का डेवलपमेंट यहाँ से हुआ। आज तुम यहाँ देखो तो डेवलपमेंट बिल्कुल जीरो है, रोड के भी आपको सही नहीं दिखाई देंगे, सफाई नहीं दिखाई देगी, पानी, ड्रेनेज, लाइट, सब समस्या वही के वही है लोगों की। क्या वजह लगती है कि गुजरात में 2022 में चुनाव हो रहे हैं, 2022 में 20 साल पहले जो कत्लेआम हुआ 2002 का, उसे भाजपा ने मुद्दा बनाया, और ऐसे में आप चूंकि एक मुस्लिम कैंडिडेट हैं और
मुस्लिम के खिलाफ जिस तरह की नफरत इस चुनाव में परोसी जा रही है, वो आपको क्या लगता है कि क्यों है, क्यों इतना डर है? वो हमारी लड़ाई वही है, हम नफरत के सामने प्यार की लड़ाई लड़ने निकले। आज राहुल जी क्यों भारत जोड़ो यात्रा करने निकले, क्यों 500 किलोमीटर चलने निकले? देश के जो हालात बनते जा रहे हैं, देखो ये तो गंगा जमुनी तहजीब का देश है। और मैं कर तो खास सूरत की बात करता हूँ कि सूरत ही एक ऐसा शहर है, और जैम मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी कि जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब कम्युनिटी के लोग हैं। सूरत में देखो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी सूरत के हैं जी, गृह राज्य मंत्री सूरत के, दूसरे और दो मिनिस्टर, तीन मिनिस्टर भी सूरत के जी। सूरत उनके लिए हॉट है बहुत। पर आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मुझे इतना लोगों पर विश्वास है, जो लोगों से मैं घुमा हूँ, मिला हूँ, कि यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने संकल्प ले लिया, कसम खा ली है कि भाजपा तो नहीं चलेगी, भाजपा नहीं चलेंगे, ये चाहे पूरे जितने नेताओं की फौज है यहाँ उतार दे, कोई दिक्कत नहीं। मतदाताओं ने मन बना लिया कि भाजपा को घर बिठाना है यहाँ पे। एक आखिरी सवाल, आपके पक्ष में क्या चीजें हैं, आपको क्या लगता है कि क्या चीज आप में बतौर उम्मीदवार आपकी पार्टी कांग्रेस में है कि सूरत ईस्ट के लोग आपको वोट देंगे? देखो मैं वो पार्टी से बिलोंग करता हूँ कि जो अंग्रेजों के सामने लड़के देश को आजाद कराए, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोई भेदभाव नहीं है, हम बिल्कुल सेक्युलरिज्म पे मानते हैं और हम उसी नीति रीति पे चलते हैं। मैं ऐसा उम्मीदवार था कि जहाँ हम गए तो मेरी रैली के अंदर जय श्री राम के भी नारे लगे, जैन बस्ती में गए तो जय जिनेन्द्र के भी नारे लगे, दलितों की बस्ती में गए तो जय भीम के भी नारे लगे, और मुस्लिमों की बस्ती में गए तो नारे तकबीर अल्लाह अकबर भी लगे। तो वो जनरल बात है, वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति हमने कर, ओवैसी जी की भी तो मेहरबानी है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी। देखो ओवैसी जी भी, वो जितना आरएसएस भाजपा हमारे लिए नफरत का बात है कि जितना दुश्मन है उतना ओवैसी जी भी है, जो कट्टरवाद की बात करेगा वो हमारे हर कोई दुश्मन है। लेकिन वोट तो काट ही लेंगे वो, वो तो आपको 8 तारीख को पता चल जाएगा कि सूरत के लोग कितने जागरूक है। ये सूरत के इतिहास बनेगा कि हिंदुस्तान के लोगों को पता चलेगा, खास करके मुस्लिमों को, कि सूरत के मुस्लिमों से सीखना चाहिए कि मतदान कैसे किया जाता है। वो अपना वोट की कीमत समझते हैं, अपने वोट का इम्पोर्टेंस समझते हैं। मुझे इतना विश्वास है कि वोट वो अपना कचरा पेटी के डब्बे में नहीं डालेंगे, वो ये हाथ के पंजे पे ही डालेंगे, इतना भरोसा है मुझे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।